और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला। बानी पीटीआई के एनए 122 से कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ लाहौर और मरियम नवाज के खिलाफ सरगोधा में एतराजात दायर। कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद जबकि अहलिया के मंजूर हो गए। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने एन 122 लाहौर में एतराज लगा दिया। साबिक एमपीए मियां नसीर ने मौकफ इख्तियार किया कि साबिक वजीर आजम नाअहल हैं। एतराजात पर समाज जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। जियाले रहनुमा के कागजात पर भी एतराज लगा दिया गया। शहरी मोहम्मद अयाज ने एन 127 लाहौर में एतराज दाखिल कर दिया। मौकफ इख्तियार किया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। एक शख्स बैग वक्त दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी एतराज दाखिल। पीपीएससी सरगोधा में शहरी ने दरख्वास्त दी कि लीगी उम्मीदवार मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, दस्तखत भी जाली हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। पीटीआई के अहम उम्मीदवार और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी को धचका। PK 45 एबटाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ इख्तियार किया कि मुश्ताक गनी मफरूर हैं, सफरी जमानत के बावजूद वापस नहीं आए। स्पीकर केपी असेंबली की अहलिया फरजाना मुश्ताक के कागजात मंजूर हो गए। और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला। बानी पीटीआई के एनए 122 से कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ लाहौर और मरियम नवाज के खिलाफ सरगोधा में एतराजात दायर। कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद जबकि अहलिया के मंजूर हो गए। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने एन 122 लाहौर में एतराज लगा दिया। साबिक एमपीए मियां नसीर ने मौकफ इख्तियार किया कि साबिक वजीर आजम नाअहल हैं। एतराजात पर समाज जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। जियाले रहनुमा के कागजात पर भी एतराज लगा दिया गया। शहरी मोहम्मद अयाज ने एन 127 लाहौर में एतराज दाखिल कर दिया। मौकफ इख्तियार किया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। एक शख्स बैग वक्त दो जमातों का रुकन नहीं हो सकता। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी एतराज दाखिल। पीपीएससी सरगोधा में शहरी ने दरख्वास्त दी कि लीगी उम्मीदवार मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता हैं, दस्तखत भी जाली हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। पीटीआई के अहम उम्मीदवार और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी को धचका। PK 45 एबटाबाद से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ इख्तियार किया कि मुश्ताक गनी मफरूर हैं, सफरी जमानत के बावजूद वापस नहीं आए। स्पीकर केपी असेंबली की अहलिया फरजाना मुश्ताक के कागजात मंजूर हो गए।